mathematics class, and in the previous class we have discussed about the closure property for rational numbers, and today in this class we will discuss about the commutative property for rational numbers. But before that, by filling this table we will quickly review about the what is the commutativity for whole numbers and integers. Okay, so let's begin. So जैसे previous class में हमने closure property के लिए किया था, table fill करके quickly review लिया था whole numbers और integers के लिए closure property क्या होती है, same हम commutative property के लिए भी वही करेंगे. Okay, so 0, 1, 2 and so on. Video पसंद आए तो video को like, share and subscribe करना ना भूलिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं addition of, कोई भी दो number ले रहे हैं हम whole number के collection से. मैं ले रही हूँ 9 and 2, इनकी एडिशन करेंगे इज इक्वल टू 11. इट इज़ वेरी इजी, बट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अभी हम ऑर्डर चेंज करके एडिशन करेंगे. 2 + 9 अब करते हैं. सबसे पहले हमने 9 लिया, फिर 2, बाद में हमने 2 सबसे पहले लिया, उसके बाद 9, फिर भी हमें सेम रिजल्ट मिलता है. क्या ऐसे दूसरे नंबर्स के लिए भी मिलता है? पेयर्स चेंज करके देखते हैं. 0 + 7 यू विल गेट 7. अब मैं 7 फर्स्ट ले लूँ, बाद में 0, then also I get same result. Okay, and hence we say that addition is commutative for whole numbers. कैसे subtraction के लिए भी हमें मिलता है, क्या result मिलता है? तो अभी मैं subtraction के लिए दे रही हूँ 6 - 0, 6. अब change करके देखते हैं, 0 - 6, it is -6. यहाँ पे number 6 ये same है, but उनके sign opposite है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि subtraction ये commutative नहीं है. No. अब मल्टीप्लीकेशन देखते हैं. सो अब हम मल्टीप्लीकेशन के लिए देखते हैं. सो 1 × 5 = 5, 5 × 1 = 5, सेम रिजल्ट मिलता है. नंबर चेंज करके देख सकते हैं, 0 × 3 = 0, 3 × 0 = 0. ओके, सो यहाँ से हम बोलते हैं कि मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स. अब डिवीजन में लेते हैं, 16 / 4, इट इज इक्वल टू 4, 4 × 4 = 16. अब इसको उल्टा करके देखते हैं, मीन्स ऑर्डर चेंज करके देखते हैं, इट इज 1/4. यही से हमें पता चल रहा है कि डिवीजन ही कम्यूटेटिव नहीं है. ये साइड राइट हियर नो. अब हम इंटीजर का, अब दूसरा कलेक्शन लेते हैं इंटीजर्स का. यहाँ पे लिखते हूँ, सबसे पहले एडिशन लेते हैं. कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर में फर्स्ट, दोनों नेगेटिव इंटीजर -2, दोनों नेगेटिव इंटीजर फर्स्ट पहले लेके देखते हैं. -2 - 3 इज इक्वल टू -5. अब ऑर्डर चेंज करते हैं, फर्स्ट में लेंगे -3 + -2 इज इक्वल टू -5. ओके, पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके देखते हैं, 8 + -2 मीन्स 8 - 2. ओके, तो इट इज इक्वल टू 6. अब चेंज करते हैं ऑर्डर, इक्वल टू 8, देन आल्सो आई गेट 6. और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स. ओके, दोनों नेगेटिव लेके देखते हैं, -5 - -3 इज इक्वल टू -5 एंड -3 हो जाएगा, तो हमें आंसर मिलेगा -2. देखिए डिटेल में लिख के देती हूँ, -5 माइनस और माइनस से ब्रैकेट निकल जाएगी तो प्लस हो जाएगा, +3. और यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इनकी सब्ट्रैक्शन होगी, बट जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन हम आंसर को लगाएंगे. ठीक है, अब ऑर्डर चेंज करते हैं, -3 - -5 इज इक्वल टू -3 एंड दिस इज +5 इज इक्वल टू 2. ओके, बिकॉज 5 इज बिगर देन -3, तो 5 पॉजिटिव है इसीलिए आंसर पॉजिटिव मिला. और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स. मल्टीप्लीकेशन के लिए -4 × -6 इज इक्वल टू 24. ऑर्डर चेंज करते हैं, -6 × -4 इज इक्वल टू 24. नंबर्स चेंज करके देखते हैं, अब नंबर्स चेंज करके देखते हैं, अब एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव लेकर देखते हैं, -5 × 4 इज इक्वल टू -20. अब ऑर्डर चेंज करते हैं, 4 × -5 देन आल्सो आंसर इज सेम,
माइनस 20, और यहाँ से हम बोलते हैं कि मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। यस, अब डिवीजन के लिए देखते हैं डिवीजन कम्यूटेटिव है या नहीं। सो नंबर्स लेती हूँ मैं डिवीजन के लिए, 20 डिवाइडेड बाय 4 आई मीन 4025। अब लेती हूँ और इसको हम ऑर्डर चेंज करते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 20 इट इज 1/5। ओके, नंबर्स चेंज करके देखते हैं। यहाँ से तो हमें समझ ही गया है कि ये कम्यूटेटिव नहीं है, डिवीजन कम्यूटेटिव। यहाँ से हमें बोल सकते हैं कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, नो। अब हम रैशनल नंबर देखते हैं और यहाँ से हम स्टेटमेंट ये बता सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द होल नंबर्स आर सेड टू बी कम्यूटेटिव अंडर अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल ऑपरेशन इफ देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू व्हेन ऑर्डर ऑफ द नंबर इज चेंज। और इंटीजर्स के लिए भी, इंटीजर्स आर सेड टू बी कम्यूटेटिव इफ देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू इफ ऑर्डर ऑफ द नंबर इज चेंज। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ये कम्यूटेटिव है, इंटीजर्स के लिए भी एंड होल नंबर्स के लिए भी। बट रैशनल नंबर्स के लिए भी अब हम देखते हैं कि क्या हमें कौन कौन से ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। चलिए देखते हैं, रैशनल लेते हैं रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं एंड पी एंड क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, सो फर्स्ट हम एडिशन देखते हैं। दो रैशनल नंबर्स में ले रही हूँ तो सबसे पहले दोनों भी निगेटिव रैशनल नंबर्स लेके मैं देखती हूँ। माइनस 4/3 प्लस माइनस 1/9 एंड यू नो वेरी वेल हाउ टू ऐड टू रैशनल नंबर्स। यहाँ पे रैशनल नंबर्स एडिशन के लिए रूल होता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तब हम एडिशन कर सकते हैं, बट डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम उन्हें सेम करते हैं। सबसे पहले कैसे करते हैं, यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 3 and 9 का एलसीएम 9 बोल सकते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल तो यहाँ पे ऑलरेडी 9 है। यहाँ पे 9 आने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को करेंगे तो सेम 3 से भी मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर को भी करेंगे तो हमें मिलेगा 3 4 12। बट वो निगेटिव इसलिए -12, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे -1 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे पहले से ही 9 है इसलिए -1 हमें इसलिए लिखी। सो -12 प्लस -1, ये प्लस और माइनस ब्रैकेट निकल गई तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -13/9। अब ऑर्डर चेंज करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। सो सबसे पहले मैं ले रही हूँ -1/9, उसके बाद -1 वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, प्लस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12/9 सेम रिजल्ट मिल रहा है। अब नंबर्स पेयर्स चेंज करके देखते हैं, नंबर्स हम दूसरे लेके देखते हैं और एक पॉजिटिव एंड एक निगेटिव रैशनल नंबर लेके मैं देखती हूँ। 2/5 प्लस एक निगेटिव लेते हैं -4/15। ओके, सो डिनोमिनेटर में 15 है, यहाँ पे 5 है तो दोनों का एलसीएम हमें 15 मिलेगा तो 15 भी हम ले सकते हैं। सो यहाँ पे 15 आने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 3 से हम 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 प्लस यहाँ पे ऑलरेडी 15 है तो -4 हम वैसे ही लिखेंगे इज इक्वल टू 6 प्लस -4, ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और हमें 6 - 4 रिजल्ट मिलेगा 2/15। ओके, अब ऑर्डर चेंज करके देखते हैं, -4/15 हम पहले लेंगे देन इज इक्वल टू 15 वैसे ही लिख लेते हैं, यहाँ पे है तो 15 -4 भी सेम प्लस, अब यहाँ पे 15 आने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया 6 3 2 6 एंड 3 5 15। ओके, सो -4 + 6 इज इक्वल टू 2/15 सेम रिजल्ट हमें मिलता है और हेंस वी से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। नाउ फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं, नंबर्स लेके देखते हैं 3/5 माइनस सब्ट्रैक्शन देखते हैं तो माइनस लेंगे 4/5। ओके, सो डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, 5 एंड 7 का एलसीएम क्या होता है 35। ओके, सो 35
लिया, यहाँ पे 35 आने के लिए हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 थ्री जा 21 ऊपर मिला माइनस, और यहाँ पे 35 आने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करने पे 20 = 21 - 20 = 35। अब ऑर्डर चेंज करते हैं, 4/7 फर्स्ट लिया मैंने माइनस 3/5, सेम 35 इज दी एल सी एम, 5 4 = 20 माइनस 7 3 = 21 इज इक्वल टू 20 - 21 क्या मिलता है हमें -1/35। यहाँ से तो हमें पता ही चल रहा है कि ये दोनों नंबर तो सेम है बट उनके साइन अपोजिट है, और यही से हम बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। फिर भी और एग्जांपल्स लेते हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और समझ में भी आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोनों निगेटिव रैशनल नंबर्स लेके देखते हैं, ये मैंने दोनों पॉजिटिव लिए थे फर्स्ट, अब दोनों निगेटिव, -2/3 -4/6 ओके, तो 3 and 6 का एलसीएम 6, यहाँ पे 6 आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 माइनस, और यहाँ पे फिर से क्या है -4, ऑलरेडी 6 है तो यहाँ पे पैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें -4, और ये माइनस और माइनस ब्रैकेट निकल गई तो माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +4, तो -4 + 4 = 0/6 = 0। अब देखते हैं ऑर्डर चेंज करके देखते हैं, -4/6 -2/3 सेम डिनोमिनेटर क्या है 6, यहाँ पे -4 वैसे रहेगा, और यहाँ पे -2 × 2 -4 सेम -4 + 4 = 0/6 = 0 ठीक। यहाँ से तो हमें इक्वल मिल रहा है बट यहाँ पे ऑपोजिट मिल रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दूसरे नंबर्स लेके देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, 8 माइनस एक नेगेटिव लेके देखती हूँ 1/4 = यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसलिए 8 हमने एलसीएम दिया 5 एज इट इज माइनस, तो यहाँ पे 8 आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे = 3/8। अब ऑर्डर चेंज करते हैं, फर्स्ट हम लेंगे 1/4 माइनस यहाँ पे 5/8 = 8 इज द डिनोमिनेटर, 8 इज द एलसीएम ऑफ बोथ 4 and 8, सो यहाँ पे 2 - 5 इट इज इक्वल टू -3/8 ओके। सो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि कभी कभी हमें ऐसे नंबर्स मिलते हैं कि जिनका रिजल्ट हमें सेम मिलता है ऑर्डर चेंज करने के बाद भी, जैसे कि ये हमें हमने ये एग्जांपल लिया है, यहाँ पे हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है, 0 सेम मिल रहा है, बट दूसरे भी ऐसे एग्जांपल से कि जहाँ पे हमें एक पॉजिटिव मिल रहा है तो एक नेगेटिव, तो इसलिए हम यही बोलेंगे कि ये जो सब्ट्रैक्शन है कम्यूटेटिव नहीं है फॉर रैशनल नंबर्स, इसलिए हम यहाँ पे नो लिखेंगे। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए नंबर्स लेते हैं, दोनों पॉजिटिव लेते हैं फर्स्ट, 1/3 × 5/4 = 5/12। अब ऑर्डर चेंज करते हैं, 5/4 × 1/3 देन आल्सो आई गेट 5/12। अगर मल्टीप्लीकेशन के लिए कोई भी दो नंबर्स हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव, तब भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। देखते हैं दोनों, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेके देखते हैं, -5/6 7/4 एक मल्टीप्लाई 7 इज -35/24। अब चेंज करते हैं दोनों निगेटिव लेके, ऑर्डर चेंज करके देखते हैं, जिसकी 1/6 इज इक्वल टू -35/24, ये भी हमें सेम रिजल्ट मिलता है। अब नंबर्स चेंज करते हैं, दोनों निगेटिव लेते हैं, -1/3 × -3/5 = 3/15 दोनों निगेटिव है इसलिए हमें आंसर पॉजिटिव मिलेगा। ऑर्डर चेंज करने के बाद -1/3 - -3/15 सेम रिजल्ट मिलता है, इसलिए हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। अब डिवीजन देखते हैं कि डिवीजन कम्यूटेटिव है या नहीं, डिवीजन के लिए नंबर्स लेते हैं, 9 / 3/4
इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 8/9। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं एंड दूसरा जो नंबर है उसका उल्टा करते हैं, मीन्स उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, मीन्स 4/3 हम करेंगे। जो न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर का है न्यूमरेटर में लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हमें मिलेगा -32/27। अब ऑर्डर चेंज करते हैं, सबसे पहले हम 3/4 लिखेंगे, डिवाइड 3/4 मल्टीप्लाई बाय इसका उल्टा करेंगे -9/8 इज इक्वल टू 3 9 -27/4 8 32 एंड विच इज़ नॉट इक्वल, दोनों सेम नहीं। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डिवीजन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। फिर भी एक्स्ट्रा के एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और दोनों निगेटिव लेते हैं, -3/7 = -4/6 मल्टीप्लाई बाय 7/-3 -7/ इसका हमें मिलेगा -+28/63 = 18। माइनस और माइनस है तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन में प्लस होगी, 4 7 = 28 6 3 = 18। अब ऑर्डर चेंज करके देखते हैं, फर्स्ट हम लेंगे -3/7 / 7 इसका रेसिप्रोकल लेंगे -6/4 = -+18/28 एंड हेंस वी से दैट डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल। प्रॉपर्टी हमने देखी फॉर ऑल दी फोर ऑपरेशंस, ओके, रैशनल नंबर्स के लिए भी। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि रैशनल नंबर्स के लिए भी सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ये कम्यूटेटिव है फॉर रैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर्स के लिए भी सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का रिजल्ट हमें मिला है। एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ये कम्यूटेटिव है रैशनल नंबर्स के लिए भी, इंटीजर्स के लिए भी एंड होल नंबर्स के लिए भी। ओके, एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स ऑल्सो। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे तब मैं बताऊँगी कि प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कैसे किया है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।